गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास सेकेंड सब्जेक्ट ईवियर. सो नाउ ओपन योर बुक एंड ओपन चैप्टर 17 कम्युनिकेशन टुडे. कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत करने को. टुडे यानी कि आज के समय में लोग किस तरह से बातचीत करते हैं. विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डू वी यूज नाउअर डेज. आज के समय में हम कौन सा ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद पीपल. सर्किल दैम, हम जिनका यूज करते हैं आपको सर्किल करना है. सो एवरी वन यूज वेरी डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स, टेलीफोन, पीजन, लेटर्स, मोबाइल, स्मोक एंड कंप्यूटर, लैपटॉप. ओके, सो दिस इज योर चॉइस व्हाट यू यूज, बट आई पर्सनली यूज मोबाइल एंड लैपटॉप कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेशन. सो आई सर्किल देम. So I circle these two one because I use mobile and email for communication. So next is learning ladder. So we will learn in this chapter, we will learn about communication, about the means of communication. मतलब क्या होता है communication का, बातचीत का. In the past and present, पहले के time में communication लोग किस तरह से करते थे, अब present आज के यानी वर्तमान में लोग कैसे करते हैं, about mass communication. और इस तरह से हम communication बातचीत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे. सो कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत को, जब हम किसी से बात करती हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. सो एक्सप्रेसिंग आइडिया और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बाय टॉकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. जब हम किसी से अपनी आइडिया या बात शेयर करते हैं, साझा करते हैं बात करके या राइट करके लिख के, इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, वो कहलाती है हमारी कम्युनिकेशन. नाउ टर्न द पेज. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट विच हेल्प अस इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो ऑब्जेक्ट हमारे हेल्प करती हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, वो हमारे कहलाती हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लाइक टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एंड लेटर्स आर सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये सारे कुछ मीन्स है, जरिए हैं हमारे कम्युनिकेशन के. हम टेलीफोन्स का यूज करते हैं. आज के टाइम पे टेलीफोन का यूज थोड़ा कम ही होता है, बट पहले लोग टेलीफोन का ही यूज करते थे बात करने के लिए. मोबाइल फोन से हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी से कॉल कर सकते हैं, किसी से वीडियो चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं. नेक्स्ट, लेटर, लेटर्स पे भी लोग बात करते थे पहले. तो ये हमारे कम्युनिकेशन टूल्स हैं. नेक्स्ट, वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू आउट गेस्चर एंड फेशियल. हम गेस्चर और फेशियल के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं. लाइक एक्सप्रेशन, एक दूसरे से एक्सप्रेशन के थ्रू बात करते हैं. कम्युनिकेशन विदाउट एक्चुअली टॉकिंग इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन हम बातचीत करते हैं किससे बिना बात किए हुए, सिर्फ एक्शंस के थ्रू या किसी को कुछ शो करके, वो हमारा कहलाते हैं नॉन वर्बल. लाइक डांस, भरतनाट्यम या कथक डांस जो होता है, इसमें एक्शन के थ्रू अपनी बात समझाई जाती है. कोई स्कूल का प्ले हो, अब किसको क्या पोजीशन मिली है, इसको हम समझ सकते हैं. अगर किसी के हाथ में, हैंड में फर्स्ट रैंक की ट्रॉफी हो, तो हम समझ जाएंगे कौन फर्स्ट है, किसी के हैंड में सेकंड है, किसी के थर्ड है. हमें किसी से पूछने की नीड नहीं होगी, हम उसको समझ सकती हैं. ओके, अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं कुछ भी, न्यू टॉय या बच्चे को कुछ भी, तो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको देख के, तो हम उससे समझ जाते हैं कि वो क्या फील कर रहा है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इन द पास्ट एंड प्रेजेंट. बातचीत किस तरह से पहले के टाइम में लोग करते थे और आज के टाइम में किस तरह से करती है. सो इन द पास्ट, पहले के समय में यानी भूतकाल में, पीपल यूज टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ पीजन्स. लोग पीजन्स, कबूतरों का यूज करते थे, मैसेंजर्स का यूज करते थे, एक दूसरे से संदेशा भिजवाया करते थे. एंड स्मोक सिग्नल, और धुएं के थ्रू लोगों को सिग्नल भेजते थे कि हमें कुछ कहना चाहते हैं. मैसेज वर रिटन एंड टाइड टू द लेग्स ऑफ पीजन. मैसेज लिख के बांध दिए जाते थे पीजन्स के, कबूतर के पैर में. दीज पीजन यूज टू बी ट्रेन टू डिलीवर मैसेज. उन पीजन्स को, कबूतरों को ट्रेन किया जाता था ताकि वो मैसेज डिलीवर कर सके. सम मैसेंजर्स यूज टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुछ मैसेंजर जो होते थे वो एक जगह दूसरे से दूसरी जगह उसका संदेशा लेकर जाया करते थे. मैसेज वॉज सेंड मोस्टली बाय वन किंग टू अनदर. उस टाइम पे जो मैसेज लोगों को भेजे जाते थे वो किंग के थ्रू भेजे जाते थे, जैसे एक किंग से दूसरे किंग को. नेक्स्ट, स्मोक सिग्नल, धुएं का सिग्नल. वर यूज टू गिव अ मैसेज फॉर डेंजर. जब कोई खतरा होता था तो लोग वहां आग जला दिया करते थे ताकि लोग धुएं से समझ जाएं कि वहां कुछ खतरा है, डेंजर है. दीज डेज वर वी यूज, आज के टाइम पे हम वी यूज टेलीफोन्स, टेलीफोन का यूज करते हैं, मोबाइल का फोन का यूज करते हैं, लेटर्स का यूज करते हैं एंड द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर. आज के टाइम पे हम इन चीजों का यूज करते हैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स और मेंबर को यूज करने के लिए, बात करने के लिए. नाउ टर्न द पेज. नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 102. नेक्स्ट, मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन क्या होता है? शेयरिंग द सेम इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज विद अ लार्ज नंबर.
अपने एक ही इन्फॉर्मेशन को या मैसेज को एक से ज्यादा लोगों को पहुंचाना ऑफ पीपल इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, वो हमारा कहलाता है मास कम्युनिकेशन। द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इंक्लूड न्यूज़पेपर, इसमें हमें न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर की हेल्प देते हैं, मैगजीन्स की, टेलीविजन की एंड इंटरनेट एंड रेडियो, इन सब चीज़ों की हम हेल्प लेते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए। न्यूज़पेपर टेल अस अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, न्यूज़पेपर हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताता है। दे शेयर द इन्फॉर्मेशन विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन्फॉर्मेशन हमें देता है। द टेलीविजन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, टेलीविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट साधन है मास कम्युनिकेशन का। दे प्रोवाइडर्स विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो भी हमें प्रोवाइड करता है, बांटता है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, मुद्दों के बारे में। वी गैट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट, हमें यही सारी जानकारियाँ इंटरनेट पर भी मिल जाती हैं। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो पूरा स्टोर हाउस एक भंडार घर है इन्फॉर्मेशन का, जानकारियों का। द रेडियो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, रेडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मास कम्युनिकेशन के लिए। वी कैन लिसन टू वेरियस न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट ऑन द रेडियो, हम न्यूज़पेपर के अलावा हम रेडियो में भी काफ़ी सारी न्यूज़ सुनते हैं, अनाउंसमेंट सुनते हैं रेडियो में। तो ये सारे हमारे टूल्स है कम्युनिकेशन के आज के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। सो नाउ यू कैन टेल मी व्हाट्स इक्विपमेंट यू यूज नाउ डेज। सो मोस्टली टेलीफोन सर्कल देम, लेटर्स सर्कल देम, मोबाइल एंड दिस। सो पिजन एंड स्मोक, दिस इज अ वेरी ओल्ड वर्जन। सो यू कैन सर्कल वट एवर यू कैन यूज टूडे, आज के आप टाइम पे आप जो यूज करते हो आप उसको सर्कल करते हो। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल चैप्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।